गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज का तो ब्लॉग शूट हो रहा है हमारा यहाँ पे, और चेक करो फिर दोबारा मैं आ चुका हूँ आज वही वाली लोकेशन में जो कल था मैं, चेक करो। तो हमें गाइस यहाँ पे इसलिए ब्लॉग शूट करता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन ही देता हूँ क्योंकि हम छत पे हो जाती है अब धूप, इसलिए छत पे नहीं दे पाता मैं। सामने चेक करो धूप कैसी आ रही है, ऊपर भी दिख रहा होगा आपको हल्का सा। तो यहाँ पे लगे हुए थोड़ा बहुत पेड़, तो इस चक्कर में थोड़ी छाया मिल जाती है, इसलिए इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। तो भाई हमने कल करा ली थी कटिंग, और जो लास्ट में लास्ट शाम के आता था कटिंग कराने के लिए, तो मैंने कटिंग और दाढ़ी दोनों सेट करा ली है मैंने कल करा ली थी। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, और गाड़ी हमारी थी वो चली गई है गुना, तो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, सुबह चली गई 7 बजे तो वो चली गई है। शाम को मैं आपको बता दूँगा गाड़ी को। तो अभी इस ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन वाला बटन दबाना, जिससे कि कोई अपडेट दूँ तो आपको पहले पहुँचे। तो अभी चलते हैं, पहले निकालते हैं बाइक को बाहर, तो छत पर चलना है थोड़ा, हमको है मार्केट में थोड़ा बहुत काम, तो चलते हैं निकालते हैं बाइक को यहाँ से, चलते हैं गाड़ी को निकालते हैं बाहर पर, चलते हैं मार्केट में। और वीडियो को पूरी वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना, और बाइक को सपोर्ट करो। आप थोड़ा बहुत देखते हो फिर अड़ जाते हो, तो पूरी वीडियो पूरी वॉच किया करो। और अब चलते हैं, पहले बाइक को निकालते हैं बाहर। भाई ये घड़ी गाड़ी जिसमें निकालते हैं बाहर, और ये काफ़ी सामान आ गया रात के, पापा लेके आएंगे, खोलते हैं इसकी चाबी, ताला वाले चाबी का पता नहीं कौन सा है इसमें। तो ये रही पतली छोटी सी, तो खोलते हैं इसे। खोल दिया, आगे करता हूँ थोड़ा इसको। तो निकालते हैं इसको बाहर, एक बार निकाल दी हमने, अब गैर लगा देता हूँ उसका। धूप चेक करो आज बहुत तेज धूप है यहाँ पे, तो बाहर तो निकाल दी हमने, और गंदी भी हो चुकी है काफ़ी। भाई निकलते हैं यहाँ सर, यहाँ से भले भाई सामने चेक करो कितनी सारी बकरी है सर, भाई चेक करो आज बकरी चली गई है। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा काम है, थोड़ा काम निपटा के आते हैं, चलते हैं गली से। तो गाइस मैं गया था मार्केट अपना काम कराने के लिए, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, पर आधार कार्ड तो मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी चलते हैं घर पे, और थोड़ा बहुत अभी और काम है तो उस काम को ख़त्म करते हैं, तो पहले चलते हैं घर पे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर पे, तो करते हैं साइड पर खड़ी, आ चुके थे और सामने गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो अब चलते थोड़ा इधर काम है मेरा थोड़ा सा, तो चलते हैं इधर, और थोड़ा सा एक भाई से मिल के आना है मेरे को, तो चलते हैं भाई से मिल के आते हैं। फिर मेरे को जाना है अभी कोलर स्टोल पे, क्योंकि हमारी गाड़ी का फास्टैग ख़राब हो चुका है, तो फास्टैग कुछ चक्कर में जाना पड़ेगा, पर चलते हैं भाई से मिल के आते हैं, फिर चलेंगे कोलरस। तो आज हम निकल रहे हैं कोलरस के लिए, तो चलते हैं अल्ली से। आज अभी हम आ चुके हैं बाईपास पे, चेक करो, जो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था वो चला गया है अपने घर पे, तो मैं जा रहा हूँ इधर अकेला। और मेरा गाड़ी का क्या टोल, जो टोल होता है ना, जो फास्टैग होता है, वो हो चुका है ब्लॉक, तो उसी के चक्कर में जा रहा हूँ मैं। तो अभी अभी बाईपास, तो अभी अब अपने भद्रवाद बाईपास पे है, तो जल्दी से पहुँचते हैं कोलारस, वहाँ पर पूछूँगा उनसे क्या दिक्कत आ गई। गाड़ी बहुत पसंद कर दिया हमको टोल ने, जो हर 2-3 महीने पर ख़राब हो जाता है, तो आज उसी के बारे में जानकारी लेके आऊँगा, या फिर नया टोल, या फिर नया उसका फास्टैग बनवाऊँगा आज। तो चलते हैं जल्दी से कोलारस टोल पे और बात करते हैं उनसे। तो ये चेक कर सकते हो उधर का व्यू, और अभी टाइम हो रहा है अपना 2, तो चलते हैं जल्दी से। मैं हेलमेट इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि उसमें माइक की प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में मेरा सही उसमें वॉइस नहीं आती है, तो इस चक्कर में अपना माइक लेके नहीं, बोले क्या बोलते हैं, हेलमेट लेके नहीं आया। तो उसका मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसका कुछ सही करने है, कुछ व्यवस्था बना रहा हूँ मैं। मेरा हेलमेट में बहुत दिक्कत आती है ब्लॉक करने में मेरे को, तो देखते हैं कब तक अपना सही होता है। माइक बहुत महंगा आ रहा है, चक्कर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो पता नहीं कि सही इसमें वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि हवा चल रही है, गाड़ी चल रही है अपनी 50-60 की स्पीड में नॉर्मल में, और तो सामने चेक करो एक गाड़ी चल जा रही है बाइक। तो चलते हैं अभी तो हैदराबाद बाईपास पे ही है अभी, तो शायद आज अभी हम आ चुके हैं लुकवासा, चेक करो इधर लुकवासा है, ये उसका बाईपास है, तो अभी हम जा रहे हैं बाईपास से अंदर के करेंगे, जाए कुछ काम ही नहीं है अंदर,
चलते हैं। अभी तो अभी कुछ दूर और है, कुछ दूर और आ रही है, अभी कम से कम 10 किलोमीटर अभी और है वहाँ से, यहाँ से भले तो अभी तो बाईपास पे ही है मेरे को वहाँ से आगे। तो चलते जा रही है बाइक, स्पीड में जा रहा है बंदा, तो चलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर जल्दी से। मौसम चेक करो गाइस कैसा हो रहा है, सामने टम्पर खाली होता है, देख रहा होगा आपको। तो चलते हैं, इधर की रोड चेक करो, ऊंची नीची रोड है इधर की, सामने देख रहा होगा, देखो गाइस कहीं गड्ढा है कहीं सही है। इधर बाईपास में एक पेट्रोल पंप चेक करो, तो अभी तो अभी और दूर है, तो चलो थोड़ा खींचते हैं गाइस बाइक को। भाई अभी हम आ चुके हैं देहरदा, नीचे मार्केट छोटा सा, तो हम जा रहे हैं ऊपर से चेक करो इधर। तो ये देहरदा था, अब इसके आगे सीधा कॉलर्स पड़ेगा, तो चलते हैं। गाइस हमारे साथ साथ चल रहा है ट्रक, चेक करो वो भी चल रहा है 40-45, हम भी चल रहे हैं उतने ही। इधर गाइस मौसम चेक करो, कभी धूप कभी छाव हो रही है, क्या पता क्या हो रहा है मौसम को, आगे छाव है यहाँ पे धूप है, फिर यहाँ पे धूप हो जाएगी भाई वहाँ पे छाए हो जाएगी, ये हो रहा है अभी तो मौसम में। तो गाइस बस 2 किलोमीटर का और फर्क रह गया है बस, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे टोल पे, फिर उनसे बात बात करेंगे, पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है और भी बात, और नहीं तो फिर नया फास्टैग उसका बनवा देंगे, फिर फ्री हम चलते हैं, पहले पहुँचते हैं वहाँ पर। तो चेक करो गाइस ट्रक हमारे साथ ही चल रहा है और सामने आ चुका है बोल्ट टोल का, यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ है बस, और क्या पता आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही मेरी, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज। तो चलते जल्दी से और टोल पे पहुँचते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं टोल पे, चेक करो, और अब चलते थोड़ा अंदर ऑफिस में और बात करते हैं उनसे, पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो चलो चेक करो आज कितनी सारी भीड़ लगी हुई है सामने टोल पे, तो हमको यहाँ रास्ता लग गया जाने का, इधर से तो निकलते हैं भाई, ये रास्ता अंदर जाने का, तो चलते हैं और बात करते हैं उनसे, चलते हैं उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। अब चलते हैं यहाँ से, और अपना काम तो नहीं हो पाया क्योंकि अब फास्टैग की जो बैंक होता है उसका कैविज क्या बोलते हैं होता है बैंक में कुछ होता है क्या बोलते हैं उसका नाम मेरे मुँह पर नहीं आ रहा, KYC, हाँ KYC होगा, पहले यहाँ से निकलते हैं, निकलते हैं गाइस टोल से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं देहरदा, और यहाँ से बस हमारा बदरवाल 10 किलोमीटर, तो चलता हूँ सीधा आपको घर पे मिलता हूँ जाकर, क्योंकि यहाँ काफी हवा चल रही है, तो पहुंचते हैं घर पे, घर पे जाकर सीधा मिलता हूँ मैं आपसे। फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे, और वो सामने खड़ी है गाड़ी चेक करो। तो आज मैंने आपको अपनी गाड़ी बता दूंगा, मैं बता दूंगा क्या बता दी मैंने, तो चल दो उसको जाना है गाड़ी खाली करने के लिए, पटली दुकान पर चलते हैं वहाँ पे। गाइस गाड़ी चेक करो, सही हो चुकी है हमारी, तो अभी हमें रॉन्ग साइड में पीछे से आ रही है बस, तो मैंने गाड़ी घुमा दी चक्कर में, इस साइड आ चुका हूँ मैं, तो अब करते हैं उस साइड, कुछ नहीं है पीछे, सामने से आ रही है बाइक तो उसको जाने देते हैं। तो गाइस निकलते हैं करते हैं उस साइड, ये तो गाड़ी का इंजन हो चुका है बिल्कुल मस्त, तो चलते हैं गाड़ी करना है खाली, चलते हैं और गाड़ी करते हैं खाली, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे गाड़ी खाली करके, और आज अपना ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, कल से पहले गाड़ी करते हैं खाली, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो आज हमने गाड़ी खाली कर दी है, अभी हो चुकी है शाम, तो हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये ब्लॉग आपको चला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, जब तक के लिए खाते पीते करते रहो, भाई को सपोर्ट करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।